नमस्कार दोस्तों, असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर फाइलिंग का सीजन अब पूरी तरीके से ऑन है और बहुत सारे करदाता जो कि सजग हैं अपनी रिटर्न भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपनी रिटर्न भर भी दी है। अब एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इस विषय को लेकर के मैं जनता जनार्दन के बीच पहुंचूं और उन्हें ये बता पाऊं कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि सामान्यतः करदाता आईटीआर भरते समय करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के थ्रू मैं सी अनु भाटिया आपके समक्ष ऐसे कुछ बिंदु लेकर के आ रहा हूं जिनसे मुझे लगता है निश्चित रूप से आप बेनिफिटेड होंगे और आप अपने आईटीआर और अच्छे एवं प्रभावी तरीके से भर पाएंगे। तो चलिए आगे लिए चलता हूं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, प्रोवाइडिंग राइट क्रीडेंशियल्स इन द आईटीआर, कि जब आप अपनी आईटीआर भर रहे हैं तो आप अपनी आईटीआर में सही क्रीडेंशियल्स यानी अपनी सही पर्टिकुलर्स दें, जैसे एड्रेस कौन सा आपको देना है। मैं यहां कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि आप अपना परमानेंट एड्रेस भी यहां मेंशन कर सकते हैं। और आपको लगता है कि मेरी परमानेंट एड्रेस पर प्रेजेंस नहीं है तो कम्युनिकेशन एड्रेस मेरा वर्तमान निवास दे दूं, वो भी दिया जा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर कौन सा अपडेट किया, ईमेल आईडी कौन सा दिया। मेरा कहना ईमेल आईडी वो दे जिस पर आप जनरली एक्सेस करते हैं, जो आपको जनरली उपलब्ध रहता है, ताकि आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कोई इंटीमेशन आए तो उसको देख सके। रेजिडेंशियल स्टेटस एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ज्यादातर लोग रेजिडेंट हैं, मैं इस बात से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट की जगह रेजिडेंट दिखा दिया, रेजिडेंट की जगह नॉन रेजिडेंट दिखा दिया। उससे सर आपके स्कोप ऑफ इनकम पर फर्क पड़ता है, तो आप रेजिडेंशियल स्टेटस भी सही दिखाना ना भूलें। साथ साथ दोस्तों, एम्प्लॉय क्लास के केस में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, पीएसयू के एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, पेंशनर हैं, वो भी सही ऑप्शन लेना जरूरी है। इसी प्रकार अगर आप बिजनेस मैन हैं तो आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आपका बिजनेस सर्विस सेक्टर का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, वो भी सिलेक्ट करना ना भूलें। अगली गलती जो हो सकती है वो हो सकती है सिलेक्टिंग करेक्ट टैक्स रिजीम ऑप्शन। टैक्स रिजीम ऑप्शन बाय डिफॉल्ट वित्त वर्ष 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए दोस्तों ओल्ड रिजीम था। अब अगर कोई व्यक्ति न्यू रिजीम में अपना टैक्स बेनिफिट ज्यादा लेना चाहता है, उन्हें लगता है कि मुझे न्यू टैक्स रिजीम लेनी है, तो उनको रिटर्न भरते समय आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC में यस करना होगा। मान लीजिए उनसे यस करना चूक गया तो बाय डिफॉल्ट उनका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी का, ओल्ड रिजीम। अब एक टेक्निकल क्वेश्चन आता है कि अनुप जी, मेरे से गलत रिजीम चुन ली गई, मैं रिवाइज रिटर्न करके करेक्ट करना चाहता हूं। मेरे जैसे सीए भाई ये मानते हैं कि हाँ साहब क्यों नहीं, आप रिवाइज रिटर्न करके अपने रिजीम बदल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने ड्यू डेट एक्सपायर होने से पहले पहले रिटर्न रिवाइज कर ली हो। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी सेल रिवाइज रिटर्न करने के बावजूद रिजीम चेंज होने के ऑप्शन को सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। वर्तमान में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन की बात कर रहा हूं, उससे 30 जून 2023 को, तो अगर वो करेक्ट कर लें बहुत अच्छा, नहीं तो आप तो सतर्क रहिए कि आप कौन से रिजीम चुनने जा रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों, करदाता जो व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी 44AD 44ADA बहुत ध्यान से चुनना है कि क्या वो 44AD में आते हैं या ADA में आते हैं, और क्या उनका बिजनेस 44AD में कवर्ड होने लायक या 44ADA में कवर होने लायक प्रोफेशन है भी या नहीं है। कई बार इसका इंपैक्ट 143(1) की जब इंटीमेशन आती है तो उसमें पता चलता है कि डिपार्टमेंट आपको एलिजिबल एसएससी मान ही नहीं रहा। यह भी एक ऑप्शन बड़े ध्यान से आपको चुनना है। अब अगला बिंदु रखता हूं, हैव यू इंक्लूडेड ऑल टैक्सेबल इनकम इन आईटीआर। अब आपके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान आ गई कि जैसे ही मैंने ये बात करी कि बोले भाटिया जी एक बात बताओ, आज की डेट में क्या ये छूटना भी संभव है क्या कि मैं आईटीआर में प्रॉपर इनकम, सारी इनकम न दिखाना चाहूं तो क्या संभव है क्या। अब खिलाड़ी तो सर बहुत है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये याद जरूर दिलाऊंगा कि आपकी डिविडेंड इनकम, आपकी इंटरेस्ट इनकम, आपकी रेंटल इनकम, आपकी गिफ्ट की इनकम, अगर आपको गिफ्ट किसी टैक्सेबल गिफ्ट के रूप में मिले हैं, और नोशनल इनकम,
आप दिखाना ना भूलें, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूं। और आज की डेट में AIS में आपको बहुत सारे फिगर्स मिलते हैं, डिविडेंड के मिलते हैं, इंटरेस्ट के मिलते हैं, लेकिन रेंट का इनकम आपको आ रहा है खाते में, पर आप रेंटल इनकम नहीं दिखा रहे, तो बड़ी भूल है सर। अगर आपको गिफ्ट ऐसे व्यक्ति से मिला है जो रिलेटिव नहीं है, तो वो गिफ्ट टैक्सेबल है, आपने रिटर्न में नहीं दिखाया, तो ये भी एक भूल है। नोशनल इनकम का कॉन्सेप्ट तो बहुत से करदाता नहीं समझते, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा, फॉर एन एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने 25 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की प्रॉपर्टी मात्र 21 लाख में बेची थी, तो सर उनको 4 लाख रुपए जो उन्हें कम मिला है वो ऐसा क्लेम करते हैं, तो भी फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन रिपोर्टिंग उनका सेल कंसिडरेशन 25 ही माना जाएगा। तो कभी कभी इस तरह की नोशनल इनकम के कॉन्सेप्ट आते हैं जो सामान्य करदाता नहीं डील कर पाते, वो भी इनकम बाद में अगर सरफेस पर आएगी तो आपके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। सो इट इज बेटर कि आप ये भी समझें कि क्या कोई नोशनल इनकम का कॉन्सेप्ट ITR भरते समय लगता है, और यदि हाँ तो क्या हमने उसे रिटर्न में शामिल किया है। अब बात करता हूं दोस्तों अपडेटिंग वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड रिव्यूइंग योर बैंक अकाउंट्स। इसमें तीन अलग अलग बातें हैं मेरे इस टाइटल में। अपडेटिंग बैंक अकाउंट यानी आपके जो भी बैंक अकाउंट है, मेरा तो सजेशन है आपको वो सारे बैंक अकाउंट जो आपके व्यक्तिगत नाम में है, जिनमें आपका पैन आता है, आपको अपनी ITR में बताने हैं। वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट्स का मतलब क्या कहना चाहता हूं, पर्टिकुलरली जब आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो जरूर सुनिश्चित करें कि जिस खाते में आप रिफंड लेना चाहते हैं वो खाता इनकम टैक्स पोर्टल पर भी ड्यूली वैलिडेटेड है या नहीं है, नहीं तो बाद में रिफंड लेने में दिक्कत आती है। तीसरा जो इन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके जो भी बैंक अकाउंट हैं उनके स्टेटमेंट को पूरे वित्त वर्ष के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल वित्त वर्ष 22-23 के लिए रिव्यू करिए, जांच करिए। और मैं या मेरा कोई भी CA भाई, कोई टैक्स कंसल्टेंट, वो सबसे पहला काम यही करेगा। कुछ लोग बुरा भी मानते हैं कि अगर मैं आपका बैंक स्टेटमेंट मांग लूं, सर प्लीज मेरे को बैंक स्टेटमेंट दीजिए ताकि मैं आपकी क्रेडिट एंट्रियों पर आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूं तो कर लूं, कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नहीं करेगा। आप अपने बैंक अकाउंट को प्रॉपरली रिव्यू करिए कि इसमें कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है जो मुझे ITR में दिखानी और छूट गई। तो मेरा सजेशन है सर, आप अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को जरूर रिव्यू करिए। बात कर रहा हूं दोस्तों क्लेमिंग लेजिटिमेट डिडक्शंस ऑब्लिक एग्जम्पशंस। आप बोलेंगे अनुप जी लेजिटिमेट वर्ड क्यों डाला, यही तो स्ट्रेस देना चाहता हूं सर कि देखिए बहुत से लोग चैप्टर 6A के डिडक्शन क्लेम करते हैं ओल्ड रिजीम में, बहुत से लोग HRA के एग्जम्पशन भी क्लेम करते हैं, बहुत से लोग कैपिटल गेन से रिलेटेड एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54EC, 54F क्लेम करना चाहते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका अधिकार है, लॉ ने आपको कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन लेने का ऑप्शन दिया है और आप अपनी टैक्स प्लानिंग में इन एग्जम्पशन डिडक्शन को लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका टैक्स बचता है, बहुत अच्छी बात है। पर मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए, इट शुड बी अ लेजिटिमेट डिडक्शन और एग्जम्पशन, यानी हमने कोई रेंट का पेमेंट नहीं किया HRA एग्जम्पशन ले रहे हैं, हमने किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया LIC का, इस साल भूल गए चाहे किसी वजह से उसका ATC का डिडक्शन लिया, पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रीब्यूशन पर तो क्या हालत है आपसे कुछ छुपा नहीं, कैपिटल गेन की एग्जम्पशन में हम कौन से सेक्शन में हकदार हैं, वास्तव में हकदार हैं या नहीं है, बिना सुनिश्चित की एग्जम्पशन क्लेम कर ली दोस्तों, ये चीजें बाद में हमें बहुत परेशानी में डाल सकती हैं, पेनल्टी लग सकती है, बहुत सिग्निफिकेंट पेनल्टीज लगती हैं आज की डेट में मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में। तो मेरा काम यहां डराना नहीं है, पर आपको सचेत जरूर करना है सर, प्लीज बी डबल श्योर अबाउट अ डिडक्शन विच यू आर क्लेमिंग, प्लीज बी डबल श्योर अबाउट द एग्जम्पशन विच यू आर क्लेमिंग दैट यस यू आर ड्यूली एंटाइटल्ड टू क्लेम सर डिडक्शन और एग्जम्पशन व्हाइल यू आर फाइनलाइजिंग योर ITR एज वेल एज टैक्स लायबिलिटी। ये टाइटल तो देखते ही आप समझ गए कि अनुप भाटिया क्या बोलने वाला है, ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग एज पर 26AS AIS। फिर बोलूंगा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है सर, दिक्कत एक जगह होती है कि 26AS में कोई इनकम आ गई पर आपको मिली नहीं, AIS में कोई फिगर है पर आपके रिकंसिलेशन में ही नहीं आ रहा कि अरे ये फिगर कैसे रिपोर्ट हो गया, तो सर वो एक प्रॉब्लम जरूर है। पर मेरा मानना है 99% करदाताओं को वही सूचना मिलती है जो उनसे पर्टेन करती है, तो जरूर आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि 26AS या AIS पर जरूर नजर दौड़ाएं बिफोर यू फाइनलाइज योर रिटर्न, कि उसमें वर्डन जो भी बातें हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, वो आपने अपनी ITR में ड्यूली इंक्लूड कर लिए। अब बात कर रहा हूं दोस्तों रिपोर्टिंग शेयर मार्केट
और कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन के, आपने जो कैपिटल गेन के ट्रांजेक्शन किए, अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन है, अनुप जी मैंने म्यूचुअल फंड खरीदे AIS में दिख रहा है, रिटर्न में बताना है, कोई बताने की जरूरत नहीं, मेरा फोकस बड़ा क्लियर है, आपने शेयर मार्केट या कैपिटल गेन के ट्रांजेक्शन चाहे म्यूचुअल फंड क्यों जो भी किए, जहां आपने शेयर्स बेचे, चाहे इंट्राडे बेचे, चाहे डिलीवरी बेस बेचे, लॉन्ग टर्म बेचे, शॉर्ट टर्म बेचे, म्यूचुअल फंड अथवा शेयर, उन्हें प्रॉपरली रिपोर्ट करना ना भूलें। कुछ लोग ये कहते हैं कि अनुप जी मुझे तो लॉस हो गया, तो फिर रिटर्न में दिखाने की क्या जरूरत है? नहीं साहब, आपके AIS में वो ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, आप रिटर्न में बताना ना भूलें। चाहे आपको लॉस भी है तो क्या दिक्कत है, आपको कैरी फॉरवर्ड करने का राइट मिलेगा अगर आप टाइमली रिटर्न भरेंगे। तो मेरा मानना है सर, इन ट्रांजेक्शन को जरूर रिटर्न में दिखाएं। बात कर रहा हूं दोस्तों टैक्स एंड इंटरेस्ट कंप्यूटेशन की। देखिए, टैक्स एंड इंटरेस्ट कंप्यूटेशन में दो पॉइंट है कि पहले तो आप ये समझें कि आपका टैक्स का कैलकुलेशन नॉर्मल एंड स्पेशल दो बाइफरकेशन के साथ में आ सकता है। स्लैब रेट को तो हम नॉर्मल टैक्स कंप्यूटेशन बोलते हैं, और जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सिक्योरिटीज, ट्रांजेक्शन टैक्स बेस, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन में हुआ तो 10% टैक्स रेट लगती है। बहुत से करदाताओं को ये डिस्टिंग्विशमेंट नहीं पता, इसलिए मैंने इसको डेलिबरेटली उदाहरण से बताया कि स्लैब रेट इज नॉर्मल टैक्स रेट, और स्पेशल रेट मीन्स जहां पर आपको 10% 15% की विशेष टैक्स रेट दी गई, उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन होती है। साथ ही साथ अगर आपका रिटर्न डिलेड फाइल है या एडवांस टैक्स का शॉर्ट पेमेंट है, तो 234B, 234C और 234A के इंटरेस्ट भी लगते हैं, वो भी आपको रिटर्न में ड्यूली पे करके ही आगे बढ़ना है। अब कुछ और गलती जो करदाताओं से हो जाती है कि वो भूल जाते हैं कि उन्हें कोई सपोर्टिव या एडिशनल फॉर्म भी भरना था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट। फॉर एन एग्जाम्पल, आप 89 की रिलीफ ले रहे हैं, आपको कोई सैलरी का एरियर मिला है, आप फॉर्म 10 ही भरना भूल गए, आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं, फॉर्म 10 IE भरने की रिक्वायरमेंट है, आपने रिटर्न में तो सिलेक्ट कर ली न्यू रिजीम पर फॉर्म 10 IE भराई। इसी प्रकार अगर आप कोई डबल टैक्सेशन रिलीफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट की लेना चाहते हैं, 67 फॉर्म भरना है नहीं भरा, तो यहां पर भी ये अगर आपने गलती कर दी तो रिटर्न भरते समय ये गलती हो सकता है भारी ना पड़े, लेकिन 143(1) में जब रिटर्न प्रोसेस होगी तो सर आपको दिक्कत आएगी। तो मेरा कहना यह है कि इन गलतियों को नहीं करेंगे तो हमारी रिटर्न एक पूर्ण रिटर्न के रूप में मानी जाएगी और अल्टीमेट रिजल्ट हमारे फेवर में निकल के आएगा। मैं जानता हूं दोस्तों आजकल शॉर्ट का जमाना है कि लोग कहते हैं अनूप जी अपनी बात शॉर्ट में कहिए, आपको कहना नहीं आता क्या, है ना? अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा सर कि कुछ बातों को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी जो अनुभव से यहां पर एक निचोड़ आपके सामने रखा है कि बहुत से करदाता ये गलतियां करते हैं, ना करें। तो आई होप ये वीडियो आपको सार्थक सिद्ध होगी। मैं इस वीडियो के थ्रू ये भी कहूंगा कि आप जरूर अपने टैक्स कंसल्टेंट, अपने चार्टर अकाउंटेंट की पूरी मदद लीजिए, उनसे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं रिटर्न के संदर्भ में पूछिए, तब आपकी रिटर्न को फाइनल कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों एक और रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब मानसून का सीजन, बारिश का सीजन शुरू हो गया है, आप लोग पर्यावरण बचाने में, पर्यावरण को हरा भरा बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करें, और इस मानसून सीजन में एक पेड़ जरूर लगाएं जो बड़ा होकर के न केवल आपको बल्कि समाज को और इस देश को छाया दे, ऑक्सीजन दे। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ यहां पर मैं विराम लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।